उज्जैन में नई सड़क क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और देखते ही यह आग इस कदर बढ़ी कि आग की चपेट में 3 दुकानें और आ गई, जिसमें रखा हुआ लाखों रुपए कीमत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। वहीं जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को लगी, वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और थाने के पुलिसकर्मी पहुंचे। आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। 1 घंटे तक काफ़ी मेहनत मशक्कत की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। इस बड़ी आगजनी की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही अब जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।